बाइक इज़ परफॉर्मिंग वंडरफुल एंड बेंगलुरु इज़ ओनली 128 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम। सो गूगल मैप लेकर आ गया हमारे को स्टेट हाईवे में, और स्टेट हाईवे साउथ के बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आप किसी को भेज देंगे लगेज के लिए? सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ आर जर्नी। वी आर गोइंग टू कवर नियरली 750 किलोमीटर्स। या सो दैट इज द रीजन आई एम स्टार्टिंग माई डे लिटिल अर्ली। राइट नाउ इट इज 4:23। वी आर ऑन प्लान। आई थॉट दैट वी विल वेक अप एट 4 एंड देन वी विल मूव अहेड। सो लगेज के लिए आ चुके हैं। सो उनको लगेज हैंड ओवर करते हैं, निकलते हैं। सो फाइनल इंस्पेक्शन ऑफ द रूम हैज़ बीन डन। चेकआउट के लिए वी आर रेडी। तो चलिए चेकआउट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। सो लगेज हमने अपना माउंट कर दिया है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से करा है, डबल स्ट्रैप यूज़ करा है। ये बाहर से खरीद लिया था, अब देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। बट लेकिन बंद अच्छे से गया है, और अपने शोल्डर पे भी कुछ नहीं रहेगा एक्सेप्ट खाने पीने का बैग के। तो चलिए अब जल्दी से मैप लगाते हैं और चलते हैं। या सो गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम द बाइक। ट्रिप ए जो है इसको ज़ीरो कर लेते हैं। ट्रिप ए हमने ज़ीरो कर लिया है, और जो हमारा ट्रिप बी है वो हमारा सेट है 252 किलोमीटर। टोटल किलोमीटर हमारी जर्नी के दिखाएगा। या तो ट्रिप ए हमारा ज़ीरो है। सो आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है पलानी। सो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी जर्नी। यस, तो 13 घंटे का सफ़र ये बता रहा है। And yeah, it is going to be from this side. Yeah, जी U-turn लेते हैं यहाँ से। Probably U-turn ही नहीं, okay, U नहीं, इधर ही बता रहा है। Okay, correct. So चलिए जी, all set. शहर में लाइट का थ्रो देखें कैसा है। स्ट्रीट लाइट होने के बावजूद भी लाइट का थ्रो ज़बरदस्त है। ये हाई बीम, मज़ा आने वाला आज इस लाइट का, जलवा ही अलग होगा। इन जस्ट 5.6 किलोमीटर्स वी आर गोइंग टू मर्ज टू नेशनल हाईवे 44। राइट हैंड में देख सकते हैं मेरे, नेशनल हाईवे 44 है। सो हेयर वी आर मर्जिंग। Officially we are on National Highway 44 now. Let me give you my honest review about this HJG headlight fog lamps, HJG fog lamps. So this has made everything different on the road at night. So let me switch it off and let me show you what I can see here. Nothing I can see here. And when your vehicle is approaching from the front with high beam, you cannot see anything further. Once you switch it on and you see what is the difference on the road, like whatever the high beam, low beam is coming on me directly, it is not affecting me at all. I can see clearly. So this if you are a long tourer and you travel at night also, believe me, this is a must buy thing for you. Go for it, I would say. So let us break our mission 750 kilometers of today into small objectives. So the first objective is I will take the first break at 150 kilometers or at the sunrise. Before that I will not take any break. So first toll of the day, ab dikhana to banta hi tha, ye two wheeler lane. So aaj ka pehla toll hai bhaiya, ye to ritual hai, टोल टैक्स ज़रूर दिखाए जाते हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं। पब्लिक को पसंद होंगे टोल टैक्स देखना। फर्स्ट टोल ऑफ द डे
बेंगलुरु हाईवे के ऊपर NH 44 हमारा, आई डोंट नो देखते हैं कितने मिलते हैं, बट हाँ ये बात है कि साउथ में ज़्यादा टोल टैक्स नहीं है। सो एक फ्यूल रिफिलिंग के लिए रुकना पड़ा। अभी तक हमने किलोमीटर कवर कर दिए 77, 6 बज रहे हैं, मतलब तकरीबन एक घंटे में। और ये मैंने अपना जो एक तो ये एक तरीके का पाम रेस्ट डाल दिया है, इसमें लगा दिया है, एंड दिस क्रूज कंट्रोल ऑल्सो आई हैव इंस्टॉल्ड इट। अब चलिए जी चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। अब हाईवे पे इसका पता लगेगा, तब आपको अपडेट करता हूँ जब इसका यूज़ करता हूँ। तो करना कुछ नहीं, रोड आपके सामने सामने दिख रहा है बिल्कुल साफ सीधा। आपको इसको पकड़ के थम को इसको प्रेस करना ताकि ये लीवर पे आगे टच हो जाए और ये छोड़ देना है। तो नाउ माई हैंड्स आर फ्री एंड दिस क्रूज कंट्रोल इज एंगेज। अब आपको जितनी भी स्पीड पे इसको एंगेज करना है, आप सेम प्रोसीजर, जैसे मुझे स्पीड अगर बढ़ानी है तो आप इसको आगे करो एंड एंगेज इट। दैट्स ग्रेट, गुड, सिंपल, मैनुअल बट इफेक्टिव। तो आज काम बहुत आने वाला है ये। एंड सनराइज इज गोइंग टू हैपन एनी टाइम फ्रॉम माई लेफ्ट। सो फार आई एम वेरी लाइकिंग दिस राइड। वेन आई स्टार्टेड दिस आई वॉज लिटिल वरीड, इट्स अ वेरी लॉन्ग राइड एक्चुअली, आई वॉज नॉट श्योर दैट हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, बट नाउ आई एम मोर एक्साइटेड। सो लुक एट दिस अमेजिंग सनराइज। सो आई एम स्टैंडिंग इन कॉटन फील्ड, एज यू कैन सी कॉटन अराउंड मी एवरीवेयर, एंड एंजॉइंग दिस सनराइज व्यू एज आई प्रोमिस्ड यू। Bike is performing excellent. And look at the amazing view of this sunrise here. Complete orange. The sun is completely orange. So second toll of the day. We have done 105 km already so far. It's 6:22. And this is the second toll of the day. लगा देंगे इस लाइन से हमारे को, कोई फायदा नहीं बेइज्जती करा के, चुपचाप इसी लेन से निकल दो। या सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे हैज बीन अचीव्ड, 150 किलोमीटर्स वी हैव डन सो फार। और ये कोई मेरे ख्याल से अनंतपुर जगह है, यस, तो दिस इज अनंतपुर ऑन द वे टू बेंगलोर हाईवे, नेशनल हाईवे 44। बट हम जैसा मैंने बोला था कि हम 150 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लेंगे। आई एम नॉट फीलिंग लाइक टेकिंग अ ब्रेक बिकॉज सनराइज़ और दो पेट्रोल, दो तीन चीज़ों के लिए रुकना पड़ गया, तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो गया। सो नेक्स्ट ब्रेक इज़ गोइंग टू बी अराउंड 200, आफ्टर 200 किलोमीटर्स, या मीन्स 150 प्लस 50, 200 किलोमीटर्स के बाद एक टी ब्रेक या कुछ लेते हैं, एक छोटा ब्रेक। अपडेट, 200 किलोमीटर्स हमारे हो गए हैं, स्पीडोमीटर पे आप देख सकते हैं, समय हुआ है 7:41। नाउ आर सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे हैज बीन अचीव। अब आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं और 50 किलोमीटर जा सकता हूँ, ब्रेक लेने की ज़रूरत है अभी? आपकी बॉडी आपको लगे अलाउ करे, यस यू कैन स्ट्रेच फर्दर 50 मोर किलोमीटर्स, डू इट, एंड यू शुड नो योर बाइक ऑल्सो। So as far as me and my bike is concerned, we are good to go for next 50 kilometers more. So milte hain 250 kilometer pura karne par break ke sath. Jo aapki car Kia aapne kharidi hai wo yahi banti hai. So this is Kia Motors plant. A very big one here. Starting from there till there, it's a very big plant. Just have a look.
वहीं बनती है किया मोटर्स की फैक्ट्री है ये, इट्स अ ह्यूज वन। सो आई हैव डन 329 किलोमीटर्स, समय हुआ 9:25 और बैंगलोर के करीब 35-40 किलोमीटर पहले हूँ मैं, और यहाँ से ये दिखा रहा है लेफ्ट टर्न। सो आई एम गोइंग टू पलानी एज आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग। सो अब ये यहाँ क्यों टर्न दिखा रहा है, मेरे ख्याल से बैंगलोर बाईपास ही है, बैंगलोर बाईपास ही है। ओके, नेशनल हाईवे 44 पे आगे जाके मिल रहा है, करेक्ट। ओके, सो बैंगलोर बाईपास ओनली। ओके ठीक है जी, तो फिर इसी पे ही चलेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। सो सीधा ये रास्ता बैंगलोर सिटी में चला जाएगा। नाउ वी नीड टू टेक दिस लेफ्ट, we are taking this left turn to bypass the chaos of Bangalore city। अगर यहाँ से अंदर से चला गया तो कम से कम तो 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे मेरे। अब चाय की दुकान तो मुझे कोई ढंग की मिल नहीं रही, बट लेकिन मुझे यहाँ एक ये बहुत बड़ी ऐसी दुकान दिख गई जहाँ मैं और कुछ नहीं कर सकता लेकिन यहाँ पर आराम से बैठ के ये अपनी कमर सीधी कर सकता हूँ। तो यहीं रुकेंगे, कुछ खाने पीने का सामान है हमारे पास, उसको एंजॉय करेंगे। ये है करनूल का मिल्क केक। मिल्क केक हमारे क्या नॉर्थ में डिफरेंट होता है, बट ये करनूल का केक है और नॉर्मल केक ही है, बट हाँ अच्छा है, टेस्टी है। इट इज मोर लाइक बनाना केक, बट गुड। सो सोच रहा हूँ अपना ये जैक नया जो लिया है वो लगा के इसकी चेन ही लूप कर लें, 5 मिनट लगेंगे। सो इसका जो पर्पस था वो तो उसने सर्व कर दिया जैक ने। अब चलिए जल्दी से, बहुत देर हो गई यहाँ बैठे हुए, 15-20 मिनट हो गए। अब निकलते हैं अपनी जर्नी पे, आगे चलते हैं, अपने आगे के माइल्स कवर करते हैं। अभी पता नहीं कहाँ अंदर से गूगल मैप लाया है, आगे से दिखा तो रहा है कि नेशनल हाईवे 44 पे ही मिलेगा। आई डोंट नो यार, गूगल मैप क्या करवा के मानेगा। लेट्स सी, अभी आता, ठीक है। अभी इसको देखने के लिए YouTube भी तो पता होना चाहिए ना, कौन सा चैनल है, चैनल है क्या? और क्या, हाँ इधर दो। अभी जब तुम्हारा आएगा तब देख लेना। हाँ कन्याकुमारी, बट इधर से अभी तो मैं कोडाई कनाल जा रहा हूँ। ये देखिए जी कर्नाटक के गांव, ये देखिए, ये कर्नाटक के गांव हैं ये जी। और ये बुड्ढे सब जगह ही एक जगह से होते हैं, बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं बेचारे अपना। ये देखिए वो, ये क्या जंगलों में घुमा दिया क्या गूगल ने, आ गया तो दिखा रहा है कहीं नेशनल हाईवे 44 पर मर्ज होते हुए, लेकिन ये तो मैं पठारों में घूम रहा हूँ, पठारों में। ये देखिए जी क्या रास्ता, नीचे जा रहा है कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर आ रहा है। इन रोडों की एक बात है, इन पर हमें बोर नहीं होता, क्योंकि सीधा सीधा चलना ही नहीं ना,
अपनी भी जान बचानी है, दूसरे की भी जान बचानी है, गड्ढे बचाने हैं, स्पीड ब्रेकर बता, आपका बिल्कुल कंसंट्रेशन ओ माय गॉड बना रहता है हर एक सेकंड पे, अब ये हो सकता है ना, आपके दिमाग में चलता रहता है, वो इधर से घुसा देगा, उधर से घुसा देगा, कुत्ता आ जाएगा बीच में, बिल्ली आ जाएगी, इनके तो हाथी नहीं है और नहाती भी रोड पर छोड़ दें। बॉस एज़ यूजुअल साला गूगल मैप ने धोखा दे दिया, क्योंकि ये अभी तक मेरे को ये स्टेट हाईवे इस पर घुमा रहा अंदर 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 ले आ ले आ गए, चला नेशनल हाईवे 44 तो अभी तक दिखाई नहीं है कौन सी जगह है, कुलिया रासी, ये सारे गांव कस्बे छोटे छोटे ये आ रहे हैं, कोई मेजर कोई टाउन नहीं है, और मैं ये स्टेट हाईवे में चल रहा हूँ। बस ये है कि हाँ ये करवी रोड्स हैं तो चलाने में इतना बुरा नहीं लग रहा, बट लेकिन नेशनल हाईवे नहीं है, गूगल के भरोसे बिल्कुल मत आए भाई, अपना डाउनलोड करके मैप ऑफलाइन आए, मतलब ये पता भी नहीं चलेगा किधर को मोड़ देगा, इसको जो पसंद आएगा रोड उस पर। हाँ खींचती है फोटो भाई, यहाँ तो बनती है अब फोटो है। पानी भी पियेंगे और एक फ़ोटो भी खींचते हैं। सो गूगल मैप लेकर आ गया है हमारे को स्टेट हाईवे में, और स्टेट हाईवे साउथ के बहुत ही खूबसूरत हैं, देखिए ज़रा ये नज़ारे, और ये हमारी खड़ी हुई बाइक, और बाइक के ऊपर क्या मस्त ट्री है कोकोनट का, एंड बाइक इज़ परफॉर्मिंग अमेजिंग, सो फार सो गुड। अब कुछ खाने के लिए एक होटल में रुके हैं, बताता हूँ आपको होटल का नाम क्या है, यहीं से होटल करा हमने, साउथ इंडियन मील। मील क्या होता है, नॉर्थ में जैसे थाली बोलते हैं साउथ में मील बोलते हैं, तो वही ऑर्डर करा हमने, सरवाना नॉन है, इसमें हमने ऑर्डर करा मील, आता है तो दिखाते हैं आपको। सो ये है जी हमारी साउथ की थाली, नॉर्थ की थाली सॉरी, और साउथ का मील्स, तो इसमें यू हैव स्वीट, यू हैव रसम, सांभर रसम, दिस इज़ खुरमा, सम वेजिटेबल, ड्राई वेजिटेबल, दही, चपाती एंड पापड़, एंड राइस विल ऑल्सो कम। खाते हैं और बताते हैं आपको, प्लीज़ बताते हैं आपको खा के कैसा है। दिस इज़ गुड, फूड इज़ गुड। बैंगलोर मेन रोड किशनगिरी डिस्ट्रिक्ट, अराउंड 50 किलोमीटर आउटसाइड ऑफ बैंगलोर टूवर्ड्स कन्याकुमारी। तो खाना खाते हैं, उसके बाद चलते हैं रोड पे, मिलते हैं आपको दोबारा। हाँ जी, तो लंच हो गया फर्स्ट क्लास, और ये होटल था, नाम बताया था मैंने आपको, नाउ वी आर हेडिंग बैक, और अब रुकना नहीं कहीं, अपना रास्ता बहुत बचा हुआ है और समय ज़्यादा हो गया है, सो लेट अस मूव नाउ टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, होपफुली कुछ छूटा नहीं है, फोन वगैरह मैंने रख लिया अपने। सो मैंने कैमरा निकाल दिया था नीचे, क्योंकि एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था कि केरला स्टेट में ही खाली बैन है हेलमेट पे कैमरा, या तमिलनाडु में भी, बिकॉज नाउ इन आई एम इन तमिलनाडु, आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस, सो नाउ इट हैज़ बीन कन्फर्म दैट इट इज़ इन केरला ओनली, तो केरला तो अभी मैं पहुँच नहीं रहा, तो इसलिए नो नीड टू वरी। मैं पहुंचूंगा कोई 7:20 तक,
मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 200 किलोमीटर बचा है अभी रास्ता, और ये भी कोई 4 घंटे 40 मिनट लगभग हो गई 200 किलोमीटर, उसी हिसाब से कैलकुलेट करके बता रहा है। घाट सेक्शन है ये, अच्छा बनाया है, इन्वर्टेड स्पीड ब्रेकर से, ये एकदम इन्वर्टेड स्पीड ब्रेकर से लीजिए। देखिए जी सामने क्या शानदार पहाड़ है, ये हम सेलम से थोड़ा पहले हैं। यहाँ पे क्या मदुरई 256, हमें इनमें से कोई भी जगह नहीं जाना है, सेलम के बाद से कोई कट है वहाँ तक जाना है। बट लेकिन आज पूरे दिन मौसम ऐसा मिस्टी सा रहा है कि क्लैरिटी नहीं थी, तो इसलिए दूर से पहाड़ वहाड़ कुछ अच्छे नहीं दिख रहे थे, कैमरे पे भी ऐसे ही कैप्चर हो रहे होंगे दूर से। ये है जख्मों को हरी बत्ती तो लगी थाने, गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। वाओ माय गॉड, ये देखो आप, ये विंडमिल के विंग्स, आप लेंथ देखो यार, क्या लंबा है यार, माय गॉड, ओ शिट। ये भी अजब करा था ये भाई साहब, भेड़ बकरी आदमी सब एक में भरे हुए हैं। देखो जरा भेड़ बकरी आदमी सब एक में। नारियल पानी तो पीना था, यही तो वहाँ पीते हैं हम केरला का, ये वाला पीला वाला पीता हूँ मैं, केरला का नारियल है ये, पीता होता है इसका पानी अरे वाले से। हाँ जो लोग नॉर्थ में उनको नहीं पता होगा, वहाँ आता ही नहीं ना ये केरला का है, बाकी तमिलनाडु का है। तो जो केरला का नारियल पानी है वो महंगा होता है और मीठा होता है, और जो तमिलनाडु का है वो हरा वाला है जो ऑलरेडी नॉर्थ में आता है, उसका पानी हल्का सॉल्टी होता है, मीठा नहीं होता उतना। तो वी हैव एंटर्ड इनटू सेलम सिटी, और करीब 560 किलोमीटर वी हैव डन इट, और अभी भी डेस्टिनेशन पहुंचने में 3 घंटे 42 मिनट का वक्त बता रहा है, एंड अराइवल टाइम इज एक्सपेक्टेड एट 7:15। हाँ जी, तो अब हमारे को कोयम्बटूर के लिए यहाँ से लेफ्ट लेना है, ये सेलम पार करा है हमने, और अब ये एर्नाकुलम कोयम्बटूर इसके लिए ये रास्ता जा रहा है, तो वी नीड टू टेक अ लेफ्ट टर्न एंड आई प्रॉब्ली दिस वन, दिस फ्लाईओवर, दिस ओवर ब्रिज विल टेक अस टू कोयम्बटूर रोड। चलो जी फाइनली चाय पी लेते हैं। ओह माय गॉड, लुक एट द लगेज, मिलेगी क्या? मिलेगी चाय, एक कप चाय पीते हैं, आप कॉफी पियेंगे? यस। अन्ना ये क्या फिल्टर कॉफी है? ये क्या फिल्टर कॉफी? दिस इज द इक्विपमेंट फॉर फिल्टर कॉफी है, और इसमें हाँ तो ये थम्बी टी, जब केरला आए हैं तो थम्बी टी यहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं, और वो भी ऑथेंटिक फिल्टर कॉफ़ी। चलिए जी ऊपर लेकर आते हैं, फिर चार पीते हैं कॉफ़ी।
कॉफ़ी कॉस्ट इज 20 rupees ओनली है ना, उसमें फिल्टर उसमें नहीं है कप में स्टील का। हाँ अच्छा, वो फिल्टर कॉफ़ी वहाँ से डिकॉक्शन उसका निकालते हैं और ये इधर से मिक्स करते हैं। ओके देखिए जी साउथ के पहाड़ है ये देखिए, तो सब कुछ खूबसूरत खूबसूरत बट लेकिन बहुत मिस्टी सा हो रहा है, इसलिए कोई विजिबिलिटी बहुत क्लियर नहीं है। और हम चल रहे हैं 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सूरज देवता किसी भी टाइम हमसे विदा ले लेंगे, इसलिए इनको बाय बाय कह देते हैं अभी नहीं मौका मिला तो। लीजिए जी दर्शन कर लीजिए भैया सूरज देवता के, कराएं सही से करा ही देते हैं अब आपको, कह रहे हो तो दिख गए तो। सूरज देवता जी बिल्कुल व्याकुल हैं जाने के लिए, बिल्कुल खूबसूरत ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं। ये देख रहे हैं नारियल के तेल की फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, ये नारियल के तेल की फैक्ट्रीज ये, वाओ इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सूजी का हलवा बनता है ना जो खुशबू आती है, वैसी खुशबू आ रही है सब जगह से, लेकिन ये नारियल के तेल निकल रहा है पूरा शहर महक रहा है। वाह कौन सी जगह है यार ये, लिंडी नगर यही पढ़ने आया मुझे। ये देखिए ये नारियल के तेल की फैक्ट्री की जरी, पूरी फैक्ट्री नारियल के तेल की है और ऐसी खुशबू आ रही है ना भाई साहब मज़ा आ गया। वाओ हाँ जी, सो ये टाउन का नाम है कंगेआम, कंगेआम हाँ कंगेआम करके टाउन है कोई, ये जहाँ पे ये हाँ ये देखिए कंगेआम, कंगेआम करके कुछ ऐसे करके है, ये देखिए यहाँ पे है ये ऑयल फैक्ट्रीज मज़ेदार। अभी तो अंधेरा हो चुका है, पूरा नहीं हुआ 50%, वही ट्रांजिशन फेज है, मैंने लुक के वाइजर कर लिया अपना साथ और अब मैं नॉन स्टॉप अपना 1 घंटा 15 मिनट की जर्नी है वो कवर करके आपसे सीधा होटल पे ही मिलता हूँ। हाँ अगर कुछ बीच रास्ते में कुछ हुआ इंटरेस्टिंग दिखाने का तो ज़रूर आपको दिखाई देंगे किसी न किसी तरीके से। सो मैप पे दिखा रहा है 1 घंटा 15 मिनट और 690 किलोमीटर्स वी हैव डन सो फार, तो 1 घंटा 15 मिनट का मतलब और 60 किलोमीटर करीब होगा, 60-65 किलोमीटर। चलिए या तो होटल पे मिलते हैं और अगर कुछ अच्छा दिखा तो वो भी दिखाई देंगे आपको। सब जस्ट रीच द होटल, इट्स 7:56 PM एंड टुक मी अराउंड 4:45 स्टार्टेड एंड आई एम हियर एट 8 नाउ, सो ऑलमोस्ट 14 आवर्स इट टुक मी टू कम हियर, आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 760 किलोमीटर्स। आई हैव चेक्ड इन टू होटल अमृता इन पलानी विच इज़ अराउंड 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोडाईकनाल, राइड वॉज गुड, योर बाइक परफॉर्म रियली वेल एंड आई एंजॉयड राइड, देर इज़ नो इशू, whatever the fatigue is going to happen that is there, so let me give you a room tour. So this is just a budget hotel, not a fancy one, but all basic things are there. Okay, so TV is there, air condition is there and it is working very nicely and comfortable bed is also there, bathroom is also neat and tidy. So signing off for today, hope you have enjoyed the ride. During the ride there is nothing much to show, but yes, the actual journey or adventure is going to start from tomorrow because at early morning I'm starting for Kodaikanal and then for rest of 4-5-6 days you'll enjoy every day, let me tell you. So stay tuned, if you like this video hit a like button, share this with your friends and do subscribe to my channel for upcoming exciting videos waiting for you ahead. Till then, bye bye, take care, good night.